वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर यूपीपीजीटी कॉमर्स। जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। वेरी गुड इवनिंग शंकर जी। एक बार सब लोग जो लोग ऑनलाइन है हाई हेलो कर दीजिए, पता चल जाए कौन कौन ऑनलाइन है। सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अगले 2 मिनट में। ठीक है रीना जी, टीजीटी का पूरा सिलेबस और बुक्स का एक वीडियो प्रिपेयर कर देंगे, बनाते कल बना देंगे दिन में। ठीक है जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए, यूपी पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चे। चलो 7-8 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से सभी लोग शेयर करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। अगले 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग जल्दी से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यूपी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस आप सभी बच्चों ने देखा ही है, तो उसमें पूरा सिलेबस पा खंड आ बा सा पार्ट ए बी सी के में बटा हुआ है। हम लोग पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पार्ट सी स्टार्ट करेंगे, लास्ट में पार्ट आ। क्योंकि आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के कार्य लेक्चर नंबर 1 है आज, पहला लेक्चर नंबर 1 है यूपी पीजीटी का। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर आज लेंगे, उसके बाद कल से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी मंडे से प्रॉब्ली। तो
तो ब्रह्मास फॉर कॉमर्स एस्पायरेंट्स, जो भी बच्चे कॉमर्स में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यूपी पीजीटी में, पहली बार में पीजीटी कैसे क्वालिफाई करें, अब होगा शिक्षक बनने का सपना पूरा, हमारे साथ जुड़िए अगले 90 दिन तक की, गारंटेड परिणाम गारंटेड रिजल्ट मिलेगा आपको पहली बार में यूपी पीजीटी में क्वालिफाई करने में। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार, जो कैंडिडेट आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दें मेरा नाम अनुभव सिंह है, 11 साल से लगातार टीचिंग और रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में, भाई आईआईएम लखनऊ की बात करिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एलपीयू, एमिटी यूनिवर्सिटी शारदा, आईपीएम लखनऊ, यूपी गवर्नमेंट के साथ भी बहुत लंबे समय तक की काम किया है, 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में, द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन क्वालिफाइड 4 टाइम जेआरएफ इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड पब्लिश मोर देन 20 रिसर्च पेपर, 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर और किताबें छाप चुके हैं दुनिया के टॉप क्वालिटी जर्नल्स में, एमबीए किया है, एमकॉम किया है, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो बहुत लंबे समय से लगातार टीचिंग और रिसर्च से जुड़े हुए हैं। तो आज का लेक्चर है डिफिनेशन ऑफ, हाँ रीना जी ये आपका उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी, टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है, एक जैसा सिलेबस है, बस अंतर ये है पीजीटी के सिलेबस में आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स का सिलेबस आएगा, बट टीजीटी में 11th 12th और ग्रेजुएशन का सिलेबस आएगा। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, तो गारंटेड इनाम है, गारंटेड आपको बता रहे हैं पहली बार में आप टीजीटी और पीजीटी दोनों क्वालिफाई कर लेंगे। तो आज का सिलेबस है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर। ठीक है, तो बच्चों आज का प्रबंधन, प्रबंधन का मेन टॉपिक है डेफिनेशन, और पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लाए ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों समझ सकें। कहीं पर भी जहां पर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा, जैसे अभी कोई दिक्कत लगे तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन एक अलग प्रक्रिया है जिसमें लोगों और संसाधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित करना और पूरा करने के लिए योजना बनाना, संगठित करना, सक्रिय करना और नियंत्रित करना शामिल है। जी आर टेरी ने मैनेजमेंट की क्या डिफिनेशन दिया है, जी आर टेरी ने मैनेजमेंट की, प्रबंधन की एक डेफिनेशन दिया है। आप लोग हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, ये हम पीपीटी ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, अभी हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, नोट्स आपको सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगे पूरे। तो मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग टू डिटरमाइन एंड एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। हम लोग लोगों का यूज करके, संसाधनों का प्रयोग करके, हम लोग एक संगठन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। आप किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, उनके संसाधनों का ऑप्टिमम, उनके संसाधनों का, वीडियो पॉज नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, आप लोगों को भी दिक्कत लग रहा है क्योंकि मैं मोबाइल में भी देख रहा हूं, तो मोबाइल में कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा है। रूबी जी आप एक बार अपना रिफ्रेश करिए, दिक्कत नहीं लगेगी कोई, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। आप लोगों के इंटरनेट में दिक्कत होगी प्रॉब्ली, इसीलिए है, तो आप लोग वीडियो ये बाद में भी देख सकते हो। तो प्रबंधन एक अलग टाइप की प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों का, पीपल्स का, संसाधनों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक संगठन के उद्देश्यों के पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें काम क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, नियोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, योजना आयोजन करना, एक्टिवेटिंग कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। तो कहीं ना कहीं एक प्रबंधन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक संगठन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जी आर टेरी ने डेफिनेशन दिया है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है पीजीटी और टीजीटी में कि डेफिनेशन दे दिया, पूछा ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसने दिया है, तो ये परिभाषा किसने दिया है, जी आर टेरी ने दिया है। जी आर टेरी क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम बता रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग टू डिटरमाइन एंड कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल्स एंड रिसोर्सेस।
तो प्रबंधन एक अलग टाइप की प्रक्रिया है जिसमें लोगों और संसाधनों के उपयोग के द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित करने और पूरा करने के लिए हम लोग योजना बनाते हैं, संगठित करते हैं, सक्रिय करते हैं और नियंत्रण करते हैं। नहीं बेटा माइक ठीक है, बिल्कुल ऊपर ही लगा हुआ है, इससे ऊपर कहां लगेगा। डेफिनेशन मैनेजमेंट की और हेनरी फ्यूल्स ने क्या परिभाषा दिया है, प्रबंधन करना, पूर्वानुमान और योजना बनाना, व्यवस्थित करना, आदेश, समन्वय और नियंत्रण करने के लिए होता है। तो हेनरी फ्यूल्स एक बहुत फेमस राइटर थे, ऑथर थे, उन्होंने हेनरी फ्यूल्स ने प्रबंधन की डेफिनेशन को, प्रबंधन को कैसे परिभाषित किया है कि टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो इन्होंने मैनेजमेंट में इन्होंने बोला कि प्रबंधन करना, प्रबंधन करना में क्या आता है, पूर्वानुमान लगाना, अनुमान लगाना, एक योजना बनाना, चीजों को व्यवस्थित करना, आदेश देना, समन्वय, आपस में समन्वय बैठाना। देखिए एक डिपार्टमेंट, एक संगठन के अंदर एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी होता है, विपणन का, एचआर का भी है, फाइनेंस वित्त का भी है, प्रोडक्शन का भी है, सेल्स का भी है, रिसर्च का भी है। तो आपस में क्या होता है, एक अच्छा संगठन चलाने के लिए अच्छा प्रबंधन आपको जरूरत होती है। तो अच्छा संगठन के लिए आपको आपस में सभी डिपार्टमेंट के बीच में, सभी विभागों के बीच में समन्वय बिठाना पड़ता है। क्या बिठाना पड़ता है बच्चों, समन्वय बिठाना पड़ता है। तो प्रबंधन करना, पूर्वानुमान और योजना बनाना, चीजों को व्यवस्थित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करने के लिए हम लोग प्रबंधन का यूज करते हैं। ये किसने बोला है, ये हेनरी फ्यूल जी ने बोला था, नोट कर लीजिए बच्चों। आगे स्टेनली बेंस, स्टेनली बेंस ने क्या डिफिनेशन दिया, देखिए, प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के स्पष्ट, प्रबंधन जो पहले से एक निर्धारित लक्ष्य है, आप पहले से डिटरमाइन करके रखते हैं कुछ टारगेट को, उनको प्राप्त करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के लिए मानव की कार्रवाई पर निर्णय लेने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट इज द सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, निर्णय लेना, किसी भी काम के लिए निर्णय लेना। जैसे आप लोग भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पीजीटी की तैयारी करें, टीजीटी की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, टेट की तैयारी करें, सुपर टेट की तैयारी करें। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो पहले एक रास्ता चुनिए। अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीजीटी की तैयारी करिए, टेट, सुपर टेट ये छोड़ दीजिए। अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते, नहीं करना चाहते, केवल टेट सुपर टेट में है, तो क्योंकि एक साथ तीन नाव चार नाव पे पैर रखेंगे तो दिक्कत हो ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रबंधन करिए चीजों को, अपने आप ये सब चीजें अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रबंधन। एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव लोग होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल का मतलब है पूर्व निर्धारित लक्ष्य। आप किसी भी संगठन में काम करेंगे, वहां पर कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उन पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए मानव की कार्यवाही पर निर्णय लेने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रबंधन कहते हैं। ये किसने बोला है, ये हाँ डिफिनेशन प्रतिमा, टीजीटी की बात करेंगे, टीजीटी और पीजीटी में बहुत ज्यादा डिफिनेशन पूछी जाती है कि ये डिफिनेशन किसने दिया, ये डिफिनेशन किसने दिया, तो आपको पूरा डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये स्टेनली बेंस ने दिया, नोट कर लीजिए, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे हमारे, मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों लोग नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो तीन डिफिनेशन हो गई, जी आर टेरी ने क्या बोला हमने वो बताया, हमने आपको बताया हेनरी फ्यूल जी ने क्या बोला वो बताया आपको, और हमने आपको बताया कि स्टेनली बेंस ने क्या बोला वो भी आपको पूरा अच्छी तरह से हमने बताया। आगे बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं, हम लोग मेन पांच कार्यों की बात करेंगे, योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण करना। तो कून्स एंड ओडोनल, कून्स और ओडोनल एक ऑथर थे, एक्सप्लेन द फाइव फंक्शंस। अगर कोई पूछता है कि फाइव फंक्शन किसने दिए सबसे पहली बार, तो कून्स और ओडोनल एक्सप्लेन द फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दे हैव बिकम द वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एवरीवेयर। और ये पांच प्रबंधन के जो कार्य हैं पूरे दुनिया में एक्सेप्ट करे गए, पूरे दुनिया में स्वीकार किए गए, प्रबंधन के सबसे कॉमन, सबसे
चलन में जो पांच कार्य हैं वो प्लानिंग, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग आयोजन करना, स्टाफिंग लोगों को रिक्रूट करना, डायरेक्टिंग निर्देशन करना, कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। तो किसने दिए? कून्स और डोनर ने जो फाइव फंक्शन दिए वो पूरी दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शन है, पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। और ये पांचों फंक्शन अगर आप इससे देखेंगे, आपको आपस में सब जुड़े हुए हैं, आपस में सबका एक दूसरे का समन्वय है, आपस में एक दूसरे की संबंध है, ठीक है, आपस में सबका संबंध है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपस में इन पांचों के पांचों कार्यों का, पांचों के पांचों फंक्शंस का आपस में एक संबंध है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाएगा। प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली, अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाए तो प्रबंधन आपका फेल माना जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग अच्छी कर ली, स्टाफिंग नहीं कर पाए तब भी प्रबंधन फेल माना जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तीनों कर लिया बट डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करने में आप सक्षम नहीं है तब भी आपका प्रबंधन आपका सफल नहीं माना जाएगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये आपस में प्रबंधन की जो पांचों कार्य हैं, पांचों कार्य, पांच के पांचों कार्य, सत्यजीत जी अभी पांचों बताएंगे एक एक करके, पांचों एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला बात करते हैं प्लानिंग, नियोजन करना, नियोजना बनाना, नियोजन करना, नियोजन। जो बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है, सत्यजीत जी, प्रदीप पटेल, प्रतिमा मैम, रूबी, रीना, अंकिता, विवेक सक्सेना जी, शंकर यादव, अंजलि गुप्ता, निशा, सुनीता सक्सेना, फाल्गुनी, प्रियंका बजाज, शंकर यादव, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले क्लासेस का। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग, नियोजन। ये देखिए, जब अपने आप में एक टॉपिक है, आज हम लोग केवल बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे, कल हम आपको पूरा प्लानिंग अलग पढ़ाएंगे, स्टाफिंग अलग पढ़ाएंगे, कंट्रोलिंग अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि प्लानिंग से 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शॉर्ट टर्म प्लान, छोटे लघु अवधि के प्लान कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान कौन से होते हैं, मीडियम टर्म प्लान कौन से होते हैं, कॉर्पोरेट प्लान कौन होते हैं। तो आज आपको केवल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। आपको आपको पूरा प्लानिंग अपने आप में चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में चैप्टर चैप्टर है, स्टाफिंग अपने आप में चैप्टर है, कंट्रोलिंग अपने आप में एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग निर्देशन करना, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है बच्चों। तो आज हम लोग केवल बेसिक्स आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। जो योजना बनाते हैं, योजना हम लोग पहले से ही तय करके रखते हैं। आप मान लीजिए कि यूपी, आप मान लीजिए कि यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाल दिया, लेकिन आप मान लो कि पेपर से 8 दिन पहले आप पास हमारे पास आए, बोले सर आप हमको पढ़ा दीजिए पूरा सिलेबस, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है कि आप 8-10 दिन में पढ़ के पीजीटी निकाल ले। तो अगर हम लोग पीजीटी के, अगर आपके आपके पर्सपेक्टिव से, आपकी तरफ से अगर सोचे, प्लानिंग को समझाने की कोशिश करें, तो आपने पहले तैयारी करी, मास्टर्स कंप्लीट किया, एम कॉम किया, एम ए इकोनॉमिक्स किया, जो भी आपने रिस्पेक्टिव मास्टर्स किया, उसके बाद आपने पीजीटी का फॉर्म डाला, प्लानिंग करने करते हुए पूरी किताबें खरीदी, अब हमारे साथ जुड़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो हमारी, तो एक योजना बनाकर चल रहे हो, पूरी एक पूरी अच्छे से योजना बना के चल रहे हो कि कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों करना है, कहाँ करेंगे, ताकि आप योजना एक अच्छे से अगर बना के चलोगे तो आप अपने योजना में जरूर सफल होगे। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन अ एडवांस, योजना पहले से तय कर रहे हैं। तो प्लानिंग में ये हमने इसको हिंदी में इसलिए लिखा है, बहुत सरल, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हाई टू डू क्यों करना है, कोचिंग क्यों पीजीटी क्रॉस करना है, वेयर टू डू कोचिंग करना है तो कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ से क्लासेस लेना है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट प्लानिंग, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन जिम्मेदार होगा। तो जब हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, हु विल टू डू, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, यहाँ पर व्हेन टू डू भी आ सकता है, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब प्लानिंग करते समय, योजना बनाते समय आपके दिमाग में प्रश्न उठते हैं। इन्हीं सभी दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं, इन्हीं का उत्तर देने के लिए आपको एक नियमित रूप से, एक प्रॉपर तरीके से, वी हैव टू बी मेक द प्लान, आपको एक अच्छी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब
कून सो डोनर लें, ये परिभाषा याद कर लीजिए, कून सो डोनर लें परिभाषा, कैसे प्लानिंग को किस तरीके से परिभाषित किया है। इन्होंने बोला है, अभी हिंदी में ही बताएंगे, पहले अंग्रेजी मीडियम के मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, इतना समय का भी दिक्कत है, अदरवाइज हम हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम का अलग अलग बैच भी रख सकते थे, बट हम एक ही साथ में आप दोनों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर। प्लानिंग एक गैप बना, ब्रिज बनाता है, अभी हम कहां पर हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी गो, और हम कहां जाना चाहते हैं। इट मेक इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुडंट अदरवाइज हैपन। ठीक है, तो प्लानिंग क्या, योजना उस अंतर को पाटती है, जो भी एक डिफरेंस है जहां से हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं, ये उन चीजों के लिए संभव बनाता है जो अन्यथा नहीं होती। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो चीजें सही तरीके से नहीं होंगी। तो अभी आप कहां पर हो, अगले 3 महीने मेरे साथ जुड़ रहे हो, पहला क्लासेस है, अगले 3 महीने बाद आप तो देखोगे, आप देखोगे कहां पर आप पहुंच रहे हो, समझ रहे हो। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट, प्लानिंग इज ऑल अबाउट व्हाट एक्चुअली वी आर थिंकिंग, अभी हम कहां पर हैं, क्या सोच रहे हैं और कहां पर पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक क्रमबद्ध रूप से, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिक्वेंशियल मैनर में वी हैव टू डू सर्टेन प्लानिंग। अब आया इंपॉर्टेंसी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की महत्वपूर्णता क्या है, प्लानिंग क्यों जरूरत है, महत्वपूर्णता क्या है प्लानिंग की। तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रूप, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग स्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कोई बात नहीं बेटा, हम इसकी आपको पीपीटी भेज देंगे, उसमें पूरा लिखा होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है रीना जी। योजना निर्देश प्रदान करती है, निर्देशन प्रदान करती है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके रखेंगे तो आपको पता है कि आप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप क्या होगा, सिक्स्थ स्टेप क्या होगा। तो प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रदान करती है, क्या करती है, डायरेक्शन प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो प्लानिंग प्रोवाइड द निर्देश, योजना निर्देशन प्राप्त करती प्राप्त कर प्रदान करती है। आपको पता होता है कि कौन से स्टेप के बाद क्या काम करना है। दूसरा, योजना अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करती है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। रीना जी ये नंबर नोट कर लीजिए, इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। 7275333303 ये नंबर नोट कर लीजिए और आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर नंबर लिख दे रहे हैं एक बार। ठीक है, तो योजना अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करती है, क्या करती है, जोखिम को कम करती है। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि अगर प्रॉपर से प्लानिंग करके चलेंगे, योजना अनिश्चितताओं के जोखिम को, अगर जो इन फ्यूचर में अनिश्चित, अब देखिए कोरोना की बात करें, कोरोना के पिछले साल कोविड था, एक सफिशियंट पर्याप्त समय मिल गया था सरकार के पास योजना बनाने के लिए, ताकि जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर जो आई है जिसमें बहुत सारी बहुत दिक्कतें, बहुत बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, तो सरकार के पास, पब्लिक के पास, बिजनेसमैन के पास एक पर्याप्त समय मिल गया था, जो अनसर्टेनिटीज थी, जो अनिश्चितताएं थी, उनके लिए पर्याप्त समय मिल गया था, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी योजना नहीं कर पाई। उसी के चक्कर में पिछली बार टोटल 10-20 केस दिन में बढ़ते थे, इस बार दिन में 4 लाख, 5 लाख के, 5 लाख केस पर डे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी प्लानिंग अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करती है। आगे, योजना अति व्यापी और बेकार की गतिविधियों को कम करती है, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग, एक काम, मान लीजिए एक काम है, आपने अगर ठीक से प्लानिंग करके रखा हो तो एक काम आप एक ही इंसान को दोगे, और एक काम आपने 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को दे दिया, तो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे भी कोचिंग कर रहे हैं, 5-6 लोगों से अगर पढ़ेंगे सेम समय में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, एक काम को 4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं करना है। वेस्टफुल एक्टिविटीज, बेकार की जो एक्टिविटीज होती है, बेकार की जो टीजीटी के बैच का, रीना जी आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उसके बाद उसका क्लास के बाद मैसेज करिएगा, आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। 7275333303 आप ऐड कर लो, नंबर सेव कर लो, उसके बाद बता देंगे।
पीपीटी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो 72 75 33 33 03 पे क्लास के बाद भेज दें। डेमो क्लास 2 दिन चलेगी, बच्चे डेमो क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, जितने भी बच्चे हैं 10 12 बच्चे जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए, मैक्सिमम बच्चे पेड हैं, सबने फीस दे चुके हैं, बट जिन बच्चों को, जो बच्चे हमको नहीं जानते उनके लिए 2 3 दिन आप लोग डेमो क्लास ले सकते हो। डेमो क्लास के बाद बच्चों हमने बहुत कम फीस रखी है ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चे फीस दे सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकें। रीना जी क्लास के बाद हम बता देंगे, अभी समय ना खराब करिए। बच्चा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको बता देंगे। हाँ, योजना अतिव्यापी और बेकार की गतिविधियों को कम करती है, और नया नेक्स्ट योजना नवीन विचारों को बढ़ावा देती है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आते हैं। अगर आप अच्छे से योजनाबद्ध काम करेंगे तो एक नए नए आइडियाज, नए नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। योजना निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है, सीधी सी बात है, योजना फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। अगर आप अच्छे से योजना बना के रखे हैं, अच्छे से प्लानिंग करके रखे, तो आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छी कर सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आगे प्लानिंग स्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित करती है। आप पहले से ही प्लानिंग क्या होता है, अगर पहले से प्लानिंग करके रखोगे तो आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग आपकी अच्छे से रहेगी। आप पहले से बना के रखोगे स्टैंडर्ड, आप अच्छे से सेट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में योजना निर्देशन प्रदान करती है, योजना अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करती है, योजना अतिव्यापी और बेकार की गतिविधियों को कम करती है, योजना नवीन विचारों को बढ़ावा देती है, योजना निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है, नियोजन निर्णय के लिए मानक स्थापित करता है। हाँ सत्यजीत जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप क्लास के बाद बच्चों बात कर सकते हैं कि अभी सभी का समय खराब हो रहा है। अब आया फीचर्स ऑफ प्लानिंग, योजनाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आप पीपीटी आप हमसे ले लीजिएगा, हम ग्रुप पे पीपीटी डाल देंगे। योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। आप कोई भी दिमाग में आप पीजीटी की फॉर्म डाला, पीजीटी की आप हमारे साथ तैयारी करेंगे 3 महीने 4 महीने, तो आप कोशिश यही करेंगे जो आप प्लानिंग कर रहे हो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, पीजीटी क्वालिफाई कर सके, टीजीटी क्वालिफाई कर सके, वट एवर द ऑब्जेक्टिव यू हैव, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है उन उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे अगर आप ठीक से अगर आप क्या करेंगे बच्चा, योजना ठीक से बनाएंगे। तो योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, नियोजन प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य है। क्या है, एक बहुत बड़ा प्राथमिक कार्य है। बच्चों अभी व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, हम लोग अभी आप लोग मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, पर क्लास खत्म हो जाए 9 बजे के बाद फ्री है, आप लोग लगातार मैसेज करिएगा, पूरी आपको एक बताया जाएगा। योजना निरंतर है, योजना व्यापक है, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, योजना एक व्यापक कार्य है, योजना निरंतर, योजना कंटिन्यूअस बनना है। आप अपनी लाइफ में भी देखिए, लगातार आपको हर स्टेप पे, एक भी 15 साल का बच्चा उसकी एक अलग योजना होगी, 20 साल का अलग, 25 साल अलग, एक अलग अलग समय पर अलग अलग योजना बनानी पड़ेगी। निरंतर चलने वाला कार्य है, निरंतर कंटिन्यूअस आपका ये काम चलता है। योजना भविष्यवाणी है, फ्यूचरिस्टिक है, आप भविष्य को सोचकर अपनी योजना बनाते हैं। योजना में निर्णय लेना बहुत शामिल होता है, योजना बनाना एक मानसिक व्यायाम है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। आप दिमाग से अगर ठीक सोचेंगे तभी यू कैन मेक इट आउट प्लानिंग। आप बहुत अच्छे से अगर प्लानिंग करना है आपको तो आप मेंटली आप एक मेंटल एक्सरसाइज है, समझ गए। यस, तो फीचर्स क्या क्या है प्लानिंग के, पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए। प्लानिंग इज अ फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, व्हाटएवर द ऑब्जेक्टिव वी हैव, वी हैव टू बी ट्राई टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव। इट्स अ वेरी प्राइमरी फंक्शन, इट इज परवेसिव इन नेचर, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक, इट्स इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज एंड इट इज ए, ठीक है। और योजना उद्देश्यों को आपने हिंदी में तो मैंने पूरा समझाई दी, आई थिंक आप लोगों को ये प्लानिंग पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आया प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग का प्रोसेस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेके आए हैं, आगे वाली स्लाइड में हिंदी में भी है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन 100% आएगा, नोट कर लीजिए। इसको सीक्वेंस में लगाने को, इसको स्टेप बाय स्टेप लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 5 6 स्टेप है, 1 2 3 व्यापक, परवेसी का मतलब होता है व्यापक, योजना एक व्यापक है आपको, ठीक है।
चार पांच छह, ये आपको सिस्टम से सीक्वेंस में बच्चों याद करना पड़ेगा। तो पहले हिंदी में, अंग्रेजी में समझ लीजिए, फिर हिंदी में समझा देंगे। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, इधर देखिए, उद्देश्य निर्धारित करना। फर्स्ट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो उद्देश्य निर्धारित करना मतलब सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। आप कभी भी प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले आपको उद्देश्य डिसाइड करना पड़ेगा। आपको उद्देश्य होना चाहिए कि टीजीटी क्वालिफाई करना है। कोई भी तैयारी कर रहा है, आपको पहले उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स में भी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर संगठन की अगर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव में भी सेट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको उद्देश्य क्लियर करना है। क्या होगा? फर्स्टली वी हैव टू बी क्लियर अवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकेंड हो गया डेवलपिंग द प्रीमाइजेस, अभी हिंदी में बताएंगे। रीना जी पहले ये खत्म हो जाए, इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। पहले आपको टॉपिक तो समझ में आए ना, टॉपिक समझ में हो जाएगा, उसके बाद इसके हम 25 30 40 क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे। आज ये टॉपिक खत्म हो गया, 2 दिन में 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक की आपको हम करा देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेवलपिंग द प्रीमाइजेस, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। अभी समझाएंगे आपको। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, एक काम करने के कई सारे तरीके होते हैं, हम सभी तरीकों को हमको क्या करना है, समझना है। फिर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज, जितने भी अल्टरनेटिव हमारे पास, जितने भी हमारे पास जरिए हैं, उन सभी जरियों को हम इवेल्युएट करेंगे। फिर एक अल्टरनेटिव को जज करेंगे, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिर इंप्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप द एक्शन। तो सबसे पहले हो गया उद्देश्य को सेट करना, फिर प्रीमाइजेस को डेवलप करना, फिर जितने कोई काम करने के जितने तरीके होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें से सभी तरीकों को इवेल्युएट करना, फिर उसमें से एक अल्टरनेटिव को चूज करना, फिर फाइनली इंप्लीमेंट द प्लान देन फॉलो अप द एक्शन। क्वेश्चन यूजीसी के नहीं है, यूजीसी के क्वेश्चन हम कराएंगे, परेशान ना होइए आप। सबसे पहले हो गया उद्देश्य, आपको पीजीटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, पर उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहले वो संगठन के भीतर पूरे संगठन और प्रत्येक विभागीय इकाई के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। मार्केटिंग का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, ऑपरेशन का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, अलग अलग विभाग के अलग अलग क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर दूसरा विकासशील परिसर, नियोजन का संबंध भविष्य से है जो अनिश्चित और हर योजनाकार भविष्य में क्या हो सकता है इसके बारे में अनुमान का उपयोग कर रहा होता है। तो भविष्य में क्या होने वाला, उन सब चीजों को भी एक दिमाग में लेकर आपको चलना है। थर्ड हुआ कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का पहचान करना, जितने भी वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उनकी पहचान करना। एक बार उद्देश्य निर्धारित हो जाने के बाद धारणाएं बनाई जाती हैं, फिर अगला कदम उन पर कार्रवाई करना होता है। परवेसी मतलब बहुत व्यापक फंक्शन है, बहुत व्यापक कार्य है, ठीक है। हम इसीलिए कह रहे बेटा, जो चीज जहां पर है वहीं पर पूछ लिया करिए। देखिए अब अगले आगे आगे तो आप पूछ रहे हैं आप। ठीक है, तो परवेसी मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत व्यापक रूप से, स्प्रेडिंग अक्रॉस द थिंग, मतलब सभी रूप में, हर रूप में कोई ना कोई चीज स्प्रेडिंग करना, फैलाना का मतलब होता है, उसको बोलते हैं हम लोग परवेसी। बहुत परवेसी फंक्शन है, मतलब बहुत आपको हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग करना जरूरी है, समझ गए। फिर हुआ वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करना, जितने भी वैकल्पिक पाठ्यक्रम उनको हम लोग मूल्यांकन करेंगे। अगला कदम इसके पेशावर हो और विपक्षों को तौलना और प्रत्येक वैकल्पिक को, फिर एक विकल्प का चयन करना, चार पांच विकल्प उनमें से एक का चयन करना, फिर फाइनली योजना को लागू करें और अनुवर्ती कार्यवाही। उद्देश्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना को निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको लगातार चीजें कंट्रोल भी करना है, लगातार आपको प्लानिंग करने करते समय उनकी निगरानी भी करना है, ये प्लानिंग का प्रोसेस हुआ। अब बताइए प्लानिंग में कोई दिक्कत, तब हम लोग आगे बढ़े।
अभी हम लोग एक बार आपको प्लानिंग अलग, प्लानिंग अपने आप में एक चैप्टर है और चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको प्लानिंग पढ़ाएंगे और सब। अभी केवल आपको ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए, आपको संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा प्लानिंग समझा दे रहे हैं। प्लानिंग अपने आप में एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में चैप्टर है, स्टाफिंग अपने आप में चैप्टर है, डायरेक्टिंग अपने आप में चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर? तो आज हम लोग केवल प्लानिंग तक की पढ़ाते हैं, बचा हुआ हम लोग आपको कल पढ़ाएंगे। 35 मिनट हो भी गए हैं, तो क्योंकि आज समय भी, नेट में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, वाईफाई में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मौसम भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम बचा हुआ कल आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मोहित गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। अगला ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाएंगे, अभी रुकिए, आपका क्वेश्चन क्या बताइए। मोहित गुप्ता जी, क्वेश्चन से बताइए अपना कौन सा है। परवेसिव मीन ये भी हो सकता है कि किसी भी लेवल पर यूज कर लेना, हाँ मतलब भाई स्प्रेड करना, मोहित गुप्ता जी सीख बोल रहे हैं, स्प्रेड करना उसको। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा है, तो आगे हम कंटिन्यू करें, बताइए। मोहित, पूजा, अंकिता, प्रतिमा, सत्यजीत जी, आप लोगों को क्लियर आवाज आ रहा है? अगर आवाज आ रहा है तो हम कंटिन्यू करें, ऑर्गेनाइजिंग आगे पढ़ा दें। हाँ रूबी सी, हम आपको नोट्स दे देंगे, आज ही नोट्स दे देंगे। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला आया ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आयोजन करना। रूबी सी, आपको नोट्स आज ही दे देंगे हम इसके पूरे, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू फंक्शंस एंड सब फंक्शंस, हम पूरे काम को अलग अलग कार्यों में और सब कार्यों में उसका बंटवारा कर देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू फंक्शंस एंड सब फंक्शंस, grouping of activities that are closely related in their nature, assigning of duties and responsibility to the employees, and finally delegation of authority and power to each employee or the group to discharge their duty according to our process come under the functions of management organizing। समझिए, हिंदी में, अंग्रेजी में भी बहुत सरल भाषा में समझिए। एक जो पूरा ओवरऑल काम होता है, तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के तहत क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग फंक्शंस को पहचान कर उनको ग्रुपों में बांट देते हैं। जैसे मार्केटिंग का जितना काम है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया, एचआर का, फाइनेंस का, ऑपरेशंस का, प्रोडक्शन का, और सभी को ड्यूटीज क्या करते हैं, सभी को ड्यूटीज क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। देखिए, कार्यों और उपकार्यों में कार्य का विभाजन करते हैं, गतिविधियों का समूह जो उनकी प्रकृति में निकटता से संबंधित है, जिनके जिनकी प्रकृति एक जैसी है, जैसे मार्केटिंग में मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स करना, वो सब आपस में एक क्लोज करीबी संबंध है, उनको एक विभाग में डाल दिए। पैसे वाली जितनी चीजें, फाइनेंस वाली, उनको एक विभाग में डाल दिए।
कर्मचारियों को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सौंपना, हर इंसान को क्या काम करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, वो उन सब को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के तहत एक क्या करते हैं, आयोजन के तहत उसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अंत में प्रत्येक कर्मचारी या समूह को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकार और शक्ति का प्रतियोजन प्रक्रियाएं हैं, प्रबंधन आयोजन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट के काम के अंतर्गत आता है। तो इसमें ओवरऑल जैसे एक संगठन में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चा आपको ये तो पता ही है, तो उसमें जो भी काम क्लोजली रिलेटेड हैं उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट डाल दिए, एचआर वाले काम एचआर डिपार्टमेंट में डाल दिए, फाइनेंस वाले हो गए प्रोडक्शन में, जहाँ पे प्रोडक्शन कर उत्पादन करना हो गया, डिस्पैचिंग करना हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, उसको एक डिपार्टमेंट में डाल दिए। तो और उसके अलावा कई सारे 100-200 लोग एक संगठन में काम कर रहे हैं, उनको उनकी स्पेशलाइज चीजों को देखकर उनको उसके अनुसार जिम्मेदारी सौंपना, कर्तव्यों को उनकी कर्तव्यों के बारे में बताना, ताकि वो लोग सही से उसका निर्वहन कर सके, सही से उसको यूज कर सके। लुई एलन ने क्या बोला है, लुई एलन ने डिफिनेशन दिया है, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशियंटली। भाई बात सेम ही है कि इन्होंने बोला किए जाने वाले कार्यों की पहचान और समूहीकरण, जिम्मेदारी और अधिकार को परिभाषित और प्रत्यायोजित करने और लोगों को सबसे अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य संबंधित स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आपस में उनके समूहीकरण करते हैं, जिम्मेदारी समझने समझाने की कोशिश करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनके अधिकारों को परिभाषित करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के तहत। प्राय इंपॉर्टेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की आयोजन की महत्वपूर्णता क्या है। देखिए बच्चा हम आपको दोबारा बता रहे हैं, ये आप बिल्कुल अभी पैसा समझिए कि पैरा लेक्चर है, ये अपने आप में एक स्लेब टॉपिक है, पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे कल, आपको पूरा डिटेल में एक दिन प्लानिंग समझाएंगे, अगले दिन ऑर्गेनाइजिंग समझाएंगे, स्टाफिंग समझाएंगे। तो अभी ब्रीफ में समझ लीजिए, बस मतलब समझ लीजिए ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग आयोजन, आयोजन किससे मदद करता है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू रीप द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। आयोजन क्या करता है कि जो लोग स्पेशलाइज हैं, जो लोग विशेष एक काम के लिए बने हैं, आयोजन के तहत हम लोग क्या करते हैं उन उनकी स्पेशलाइजेशन का, जो कि कोई इंसान मार्केटिंग में स्पेशलाइज होगा, कोई प्रोडक्शन में होगा, कोई अकाउंट में होगा, कोई कॉमर्स में होगा, कोई इकोनॉमिक्स में होगा, तो आयोजन के तहत हम लोग संगठन को क्या लाभ मिलता है, संगठन को बहुत बड़ा फायदा मिलता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर हुआ ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स संसाधनों का यूज करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन अ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही, प्रबंधन करना, एक प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोगों को। यस रीना बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग चैनल्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप जब अपने व्यापार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजिंग अचीव द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसके अलावा जितने एक एक संगठन में इतने जितने विभाग होते हैं उनके आपस में सभी के बीच में एक समन्वय बैठाता है ऑर्गेनाइजिंग, एंड ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट द स्कोप फॉर न्यू चेंजेस। अगर आप अपने संगठन के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं एक आयोजन के तहत, एक प्रॉपर अगर सही तरह से अगर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल आपको फायदा होता है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, 1 2 3 4 5, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन करना, सबसे पहला क्या हो गया, कार्य का विभाजन करना। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन द डिवीजन ऑफ वर्क विच शैल बी डन इन अकॉर्डेंट विद द प्लान एंड डिटरमाइंड प्रीवियसली, मतलब हम लोग सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो प्रोसेस है उसका क्या है, हम लोग काम को पहचाने और काम का विभाजन करें अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर हुआ दूसरा डिपार्टमेंटेशन, एक बार आपने काम को पहचान लिया, वंस द वर्क ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक बार आपने काम को पहचान लिया, फिर डिवाइडिंग द वर्क हैज बिन डन, दोज आर सिमिलर आर टू बी ग्रुप्ड। उसके बाद एक बार काम को पहचानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सभी कामों का एक ग्रुप बना देंगे जो आपस में सिमिलियर है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन, ठीक है, विभागीकरण, विभागीकरण, अलग अलग विभाजन कर देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। उसके बाद लिंकिंग द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ना,
व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन वाज कंप्लीटेड, जैसे ही हमारा विभागीकरण का डिपार्ट काम पूरा हो जाएगा, उसके दूसरा अगला स्टेप क्या होगा, लिंकिंग ऑफ डिपार्टमेंट हैज टू बी डन सो दो डिपार्टमेंट ऑपरेट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर विच गिव्स अ सेफ टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब एक बार आपने विभागीकरण का काम पूरा कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ेंगे। देखिए मार्केटिंग वाला मार्केट से टारगेट, मार्केट से ऑर्डर ले आया, बट आपने प्रोडक्शन को बताया नहीं। मार्केट वाला मार्केटिंग के बंदे मार्केट में गए, मान लिए वो ऑर्डर लेके आ गया कि 100 मार्कर उनको चाहिए, बट आपस में लिंक नहीं है, आपस में उन्होंने प्रोडक्शन वालों को नहीं बताया कि 100 मार्कर आपको बनाने पड़ेंगे 10 दिन के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन वाले ही तो प्रोडक्शन करेंगे ना। इसीलिए थर्ड स्टेप जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का होता है, लिंकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, आपस में डिपार्टमेंट का विभाजन करना। फिर वो असाइनिंग द ड्यूटीज, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिपार्टमेंट का आपस में जोड़ दिया, या सॉर्टिंग भी बोल सकते हैं मोहित जी, बिल्कुल ठीक है। असाइनिंग द ड्यूटीज ऑन कंप्लीशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन प्रोसेस असाइनिंग द ड्यूटीज, उसके बाद हम लोग ड्यूटीज असाइन करते हैं, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं, हर इंसान को उसकी स्किल्स के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसकी विशेषता के अनुसार हम लोग काम को अलग अलग लोगों को डिवाइड करते हैं। डिफाइनिंग दी हायरार्कल स्ट्रक्चर, हायरार्की क्या होती है, मैनेजर कौन रहेगा, सुपरवाइजर कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजर कौन होगा, मिडिल लेवल मैनेजर कौन होगा, लोअर लेवल मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। फिर हम लोग बाद में एक हायरार्की, एक हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसकी टीम में काम करेगा, तो एक हायरार्की बनाते हैं। तो ये भी याद कर लीजिए, 5 स्टेप हैं। सबसे पहले कार्य का विभाजन करना, फिर विभागीकरण करना, फिर सभी विभागों को आपस में जोड़ देना, फिर उसके बाद सभी को ड्यूटीज असाइन करना, फिर पांचवा हायरार्की स्ट्रक्चर, फिर डिफाइनिंग द हायरार्कर स्ट्रक्चर। आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को हायरार्की, एक इंसान को हायरार्की क्या करेंगे, उसको सौंपेंगे कि मैनेजर कौन होगा, आप बताओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमने बता दिया, कल हम लोग डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग खत्म करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। तो जो बच्चों को, जिन बच्चों को क्वेरी भी हो, वो मेरा नंबर यहां पर लिखा हुआ है, आप बता सकते हो उनको क्वेरी, हम आपको पूरा तरह से अभी बताइए, आपको पूरे आपको रिप्लाई करेंगे। जिसको टीजीटी का बैच ज्वाइन करना है, पीजीटी का बैच ज्वाइन, 100% सफलता के लिए जुड़िए मेरे साथ, 100% सफलता मिलेगी अगले 90 दिन तक की मेरे साथ जुड़े रहिए। पहली बार में आप पीजीटी टीजीटी क्वालिफाई करेंगे। जिन बच्चों को जो दिक्कत हो, हम लोग जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे पीजीटी के, आपको पीजीटी टीजीटी के। तो जो बच्चे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स का बैच शाम को 5 बजे चल रहा है, एक कॉमर्स का बैच मॉर्निंग में भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद, अभी 15-16 बच्चे हो गए हैं, जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो एक बैच मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर देंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों को जो भी डाउट हो आप पूछिए, हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, जिस प्रकार के डाउट हो, कैसे भी आपको कोई भी दिमाग में बात हो तो यू कैन आस्क, या पढ़ाई लिखाई का आज कोई डाउट हो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में तभी पूछ सकते हैं। चलो आज से क्लास खत्म करते हैं यहीं पे।